विश्व महामारी कोरोना के साल भर दंश झेलने के बाद आखिरकार बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन के देशव्यापी टीकाकरण के पहले फेज का कार्य धार सहित गंधवानी एवं मनावरी में प्रथम चरण में शुरू हो गया, जिसमें 12,800 लोगों को फर्स्ट फेज में टीके लगना है, जिसमें आज तीनों केंद्रों पर चयनित 100-100 फ्रंटलाइन के कोरोना फाइटर्स को टीका लगाया जाएगा। आज धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन के बाद विधिवत वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान धार सांसद छत्र सिंह दरबार, कलेक्टर आलोक सिंह, धार विधायक नीना वर्मा सहित जिले के आला स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पहला टीका सिविल सर्जन अनसुईया गवली को लगाया गया। इस दौरान समस्त प्राथमिक खाना पूर्तियां भी की गई एवं जांच पड़ताल के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। वहीं टीका लगने के बाद सिविल सर्जन ने अपने अनुभव बताए, साथ ही कलेक्टर आलोक सिंह टीकाकरण के आगामी कार्यक्रम की जानकारी भी दी। मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद महसूस करती हूँ पूरे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश की सभी साइंटिस्ट की तरफ से, हमारे जिले अधिकारियों और हमारे नेताओं ने हमें जो मॉरल सपोर्ट दिया है, उसके लिए मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था कि मेरे कर्मचारी बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन से थोड़ा अपना मॉरल सपोर्ट डाउन कर रहे थे, तो मैंने अपने आप को सबसे पहले प्रमोट किया कि नहीं, मैं सबसे पहले टीका लगाऊंगी ताकि आपका मॉरल सपोर्ट बना रहे। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज मैंने जिला चिकित्सालय धार में पहला टीका लगा के अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। अभी आधा घंटा मुझे कंप्लीट हो गया है, मुझे किसी प्रकार का कोई ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन जैसा नहीं लग रहा है, कोई घबराहट चक्कर वगैरह पसीना वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। और बाय द वे आई एम द वेरी स्पोर्टी, तो मुझे अपने आप में ऐसा फील होता है कि ये तो एक छोटा सा स्विच हुआ, इतना काटा लगा, इतना जैसा मुझे महसूस हुआ। वो टीका हम हमेशा लगाते रहते हैं तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में एक टीकाकरण हमारी निरंतर प्रक्रिया है, तो मैं सभी हमारे कर्मचारी और हमारे जो धार जिले के जो भी वैक्सीनेशन लगाएंगे उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि बिल्कुल भी अफवाहों से सावधान रहें। टीका बहुत कम्फर्टेबल है, पता भी नहीं लगेगा आपको कि कब आपको टीका लग गया है। आप आधा घंटा इंतज़ार करें, थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद अपने रूटीन कार्य कर सकते हैं। आज मैं सर्वप्रथम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को हर दृष्टि से बचाया और हमारे जो वैक्सीन निर्माताओं ने, वैज्ञानिकों ने, रिसर्चकर्ताओं ने हमारी जो स्वदेशी वैक्सीन को विकसित किया, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका सबका मैं प्रधानमंत्री सहित उन वैज्ञानिकों को मेरे हृदय से नमन करता हूं। आज धार जिले में वैक्सीन का शुभारंभ हुआ और ये पूरे देश में एक साथ हुआ है। ये एक ऐतिहासिक कदम है कि जो आज पूरे देश में स्वदेशी वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। शुरू से ही जब से कोविड जब फुल फ्लैश चरम सीमा पे थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से, दूरदृष्टि से और आवश्यक कदम उठाने से इस खतरे को बहुत संभाला है और ये आज वैक्सीन भी तैयार हुआ है, स्वदेशी वैक्सीन। और प्रथम में हमारे जो प्रथम योद्धा डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी पैरामेडिकल सेंटर के लोगों को, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में रख कर मैं अपने कोविड पेशेंटों को बचाया, उनकी सेवाएं की, उनकी दवाई वगैरह बिल्कुल अपनी जान हथेली ले की, उनको आज ये शुरुआत, जिसे भारतवासियों की ओर से उन सभी कर्मचारियों को एक तोहफा बतौर उन्हें बचाने के लिए आज वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। हमारे जिला प्रशासन में पूर्ण तैयारियां कर ली गई है और आज उसकी शुरुआत हुई। निश्चित रूप से ये जिस प्रकार ये कोविड-19 और वैक्सीन के नियम अनुसार हमारे ज़िले में सबको सिलसिलेवार चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन होगा, और निश्चित रूप से आज भारत ने विश्व में रिकॉर्ड कायम किया कि इतना बड़ा वैक्सीन का जो आज दवाई लगाई जा रही है, ये विश्व का सबसे ऐतिहासिक। और किस तरह से अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही उम्मीदों का दिन है और सभी के चेहरे की खुशी देखते बन रही है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उद्बोधन दिया, उससे हमारे सभी कर्मचारियों में, सभी पब्लिक में, सभी के अंदर और ज़्यादा आत्मविश्वास की भावना बढ़ी है। जिले में जो प्रथम चक्र में टीकाकरण होना है, उसमें आज तीन केंद्रों पर टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। सब जगह 100-100 लोगों को पर डे लगाए जाएंगे। आज मनावर, गंधवानी और धार में हमारे केंद्र शुरू हुए हैं। पूरे ज़िले में हमने 47 केंद्र बनाए हुए हैं, जिसमें 12,800 लोगों का पहले महीने में टीकाकरण होना है, फर्स्ट फेज का। सेकेंड फेज के रजिस्ट्रेशन का काम अभी
प्रारंभ होगा जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स और इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और इसी क्रम में आगे जिस प्रकार के निर्देश आएंगे पूरी जनसंख्या धीरे धीरे कवर की जाएगी। उसको लेके पूरे ज़िले में काफ़ी उत्साह है। हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक, सांसद सभी अपनी इसमें सहभागिता दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम पूरे टाइम लिमिट में और इसको अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। आम लोगों तक कब तक पहुंच पाएगा, कोई टाइम लिमिट या कोई डेट निर्धारित है? ये क्रम जैसा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना है उसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की बात हुई है। इसी क्रम में लगातार ये जैसे जैसे शासन समय निर्देश प्राप्त होते जाएंगे हम अपने केंद्रों पे निर्धारित करके सभी तक टीकाकरण का कार्य करेंगे। कलेक्टर साहब कब लगवाएंगे टीका? सेकेंड फेज में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जितनी जल्दी नंबर आ जाए उतनी जल्दी हम लोग जो है अपने